अरे दीदी आप ही मुझे कहाँ पर लेकर आ गए हो? बस के अंदर खाना? What? सुना था बस के अंदर तो सिर्फ ट्रैवल करते हैं लेकिन खाना? आपने तो बार बार घूमा है, आपको ये नहीं पता ये वाली कोई कॉन्सेप्ट न्यू नहीं है? इंडिया में न्यू होगा लेकिन वैसे न्यू नहीं है, बाहर के देशों में होता है। देखो पेरिस में भी है। हाँ मैं तो पेरिस अभी जाकर आई हूँ। होता है होता है, याद आ गया मुझे, होता है। तब भी नहीं पता, आई बड़ी याद आ गया मुझे, होता है। कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, कितना खाना महंगा है। ऑर्डर मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। क्या हाफ मेन्यू मैंने ऑर्डर कर दिया है? ड्रिंक में ऑर्डर नहीं किया, मैं जरा देख लेती हूँ। ठीक है कर लो। पानी छोड़ो, इसे मत खोलो। घर से पानी लेके आई थी ना, कार से लेके आओ फटाफट जाके। पता है ये 20 रुपए का पानी 50 रुपए का देते हैं। अच्छा पानी भी नहीं पी सकती, कितनी कंजूस है ये। महंगा बिल मेरा ही बनाएगी। वैसे ये बस अगर चलने लगे तो कितना अच्छा ना लोगों के लिए, कितना इजी हो जाए ऐसे बस में सफर करना। और जिनको बस में उल्टी आती है वो खाते खाते उल्टी करते हुए चलेंगे। मैं तो अपनी बातों में फंस जाती हूँ, ये भगवान बोल तो सही रही है, दिमाग तो है इसमें। वाह पाव भाजी तो आ गई, आपको तमीज नहीं ना, पहले आपको मुझे देने चाहिए। और भी चीज आ गई, अरे वाह। ये लो मुंबई का फेमस वड़ा पाव। मुंबई का फेमस? हाँ चखती हूँ जरा, चखो चखो। अरे इन संजय से खा। व्हाट? हाँ ये ऐसे ही खाते हैं, आता नहीं है। मेरी मर्जी में जैसे भी खाओ, आपको ना तो बोलने वाले। देखो नीचे भी गिर रहे। आप जाओ यहाँ से। या गंदा मत कर, वो देख कैसे खा रही है प्यार से। ठीक है भैया गंदा नहीं कर रही। हाँ और कुछ लाना है? थाली और भी कुछ मंगाया ना? हाँ एक थाली मंगाई थी भैया। कौन सी खाली थाली? नहीं 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 प्लेटर मंगाया था एक। अच्छा अच्छा ठीक है ला रहा हूँ, लेके आ जाओ भैया प्लीज। और आप बदतमीज, छोड़ो मेरा खाना, छोड़ो। बहुत मिर्ची है, क्या कह रही थी? खाना टेस्टी नहीं है, निकल यहाँ से चल। इनके हाथ का बोल रही थी मैं तो, मैं अच्छा नहीं बनाती भैया। वो तो तेरी शक्ल पे ही लिखा है। तू क्या खाना बनाती है? शक्ल पड़ता है। एक वड़ा पाव तो खा भी लिया तूने? हाँ भैया इन्होंने सारा खा लिया। कल से भूखी है क्या ये? लग तो ऐसा ही रहा भैया। एक और चीज मंगाइए, ले आओ। क्या मंगाया? और तो मंगाया भैया, देखो ना खत्म हो गया हमारा सब। भैया ले आओ। लाता हूँ लाता हूँ। मैंने आपको बचा लिया, बोल रहा था कल से भूखी है। तो उसमें बचाना कैसा? वो तो मैं ठीक है खा लेते हैं। ये ले चल। थैंक यू भैया। ये बासी सा क्यों लग रहा है? What? तुझे दिखने में कम है क्या? अच्छा लग रहा है। खाना है तो खा वरना निकल यार। वो देख कैसे खा रही है, खाना कम और नौटंकी ज्यादा। सॉरी सॉरी। आप उसके सामने इतने सीधे बन के क्यों खा रहे हो? डेंजरस लग रहा है, मुझे अपने बाहर ना फेंक दे इसलिए। फेंक दे तो अच्छा। अरे तुझे तमीज नहीं है, हाथ से खा रही है। ये ले चम्मच, चम्मच से खा गवार। टिश्यू भी ले। ठीक है सुनो तो, आपको तो ये बहुत जल्दी पहचान गया। लेकिन मेरे पीछे भी पड़ा है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? कुछ तो बिगाड़ा ही होगा। हाथ से नहीं खाती, फिर आके मुझे गंवार बोलेगा। अरे भैया आ जा दोबारा। तो हम लोग खाना खा के बाहर आ चुके हैं और मैं इनको लेना भी चाहती हूँ, फिर भी ये जबरदस्ती आ रही है मेरे ब्लॉग में। कोई बात नहीं, है तो मेरी भाभी। हाँ हाँ बहुत मजा आया खाना। अरे ये भूल गई आप, बहुत पटाखू बन रही थी ना, अंदर ही भूल गई। हाँ हाँ तो क्या हुआ, हम अपना सामान भी नहीं भूल सकते क्या आप? ये भूलने की जगह है। तो भैया क्या हो गया, आप देने आ गए तो? खाना क्यों नहीं भूली? ये बचपन से ऐसी है, ये भूल जाती है ऐसी चीजें, माफ कर दो इनको। कह रही थी पटाखू है। पटाखू? जीरो नंबर आते थे इनके स्कूल में। सारे सारे आज जाइए, शक्ल से ही दिख रहा है जीरो है। हाँ जान गया आपको, बहुत जल्दी मैं बोल तो रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है चलो। हाँ चलो चलो। छुड़ैल कहीं की, पहले तो मेरी खुद ने बेइज्जती करा दी, उसको क्या पता वो क्या मेरा जीजा लग रहा है। इस आदमी को ना मैं छोड़ूंगी नहीं, नेक्स्ट टाइम आऊंगी उसका मुंह तोड़ दूंगी। हाँ